Hello kids, I hope you're all doing really good. So last session में हमने पढ़ा था पंचायती राज क्या होता है. पंचायती राज क्या होता है, वो हमारे विलेज लेवल पे, सबसे छोटे लेवल पे जो हमारी गवर्नेंस सिस्टम होती है, जिसके हिसाब से हमारे गांव टाउन्स वगैरह जो हैं वो चलते हैं, वहां पे कौन सी गवर्निंग बॉडी होती है, वो हमने कल देखा था पंचायती राज. और उसमें हमने कल सबसे पहले पढ़ा था ग्राम सभा के बारे में, जहां पे ग्राम सभा क्या होती है, जब सारे विलेजर्स जो कि 18 साल या उससे ज्यादा की उम्र के होते हैं, वो इकट्ठे होते हैं अपने गांव की सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए अपने पंचायत के साथ, और उनके क्या क्या सोल्यूशंस जो है वो वहां पे सजेस्ट होते हैं. ओके, सो टुडे वी विल सी कि हम लोगों ने जो कल उनका वाटर प्रॉब्लम था, हरदास जो गांव था वहां पे उनको पानी की दिक्कत हो रही थी, उस पानी की दिक्कत के लिए उन्होंने क्या क्या किया था, क्या सॉल्यूशंस निकाले थे, और देखते हैं आज उनके पास दूसरी प्रॉब्लम जो थी, दूसरा एजेंडा जो था वो क्या था. सो द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा फॉर द ग्राम सभा इज द फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन. सो जो दूसरा उनके पास मसला था वो ये था कि उन्हें गांव में कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो कौन कौन से लोग हैं, उनकी लिस्ट बनाकर तैयार करनी थी. अब बिलो पॉवर्टी लाइन क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन हमारी गवर्नमेंट ने हमें जो है हमारी सोसाइटी को इकोनॉमिकली, मतलब कौन कितना पैसों के हिसाब से कितना अच्छी आमदनी कमाता है उसके हिसाब से हमें डिवाइड किया हुआ है. सो बिलो पॉवर्टी लाइन वो लोग होते हैं जिनकी सालाना आमदनी जो है 1,80,000 या उससे कम की है. ठीक है, हमारी गवर्नमेंट कहती है जिन लोगों की सालाना आमदनी 1,80,000 से कम है, जो एक पूरे साल में 1,80,000 या उससे कम जो है उनकी आमदनी है, तो उन्हें कहा जाता है बिलो पॉवर्टी लाइन, वो गरीबी की रेखा से भी नीचे, वो गरीबों से भी ज्यादा गरीब है. ओके, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतनी आमदनी नहीं होती है कि वो इतना भी साल में कमा सकते, उनको दो वक्त की रोटी कमाने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसके बारे में हम देखेंगे. अब ग्राम सभा के हिसाब से विच हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा, ग्राम सभा जो पूरे गांव के लोग हैं उनके हिसाब से कौन कौन ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, उनके बारे में उन्हें वो लिस्ट तैयार करनी है. एज सून एज द लिस्ट इज रेड आउट पीपल बिगिन टू विस्पर, जैसे ही जो इनकी लिस्ट जो ऑलरेडी जो पंचायत ने लिस्ट जो तैयार की है, जो उनके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उनके पास लोग हैं जो बिना पॉवर्टी लाइन पॉवर्टी लाइन से भी बिलो रहते हैं, उनकी लिस्ट बताई जाती है तो सब लोग विस्पर करने लगते हैं, फुसफुसाने लगते हैं. नटवर हैज जस्ट बॉट अ कलर टीवी एंड हिज सन हैज सेंट हिम अ न्यू मोटरसाइकिल, हाउ कैन ही बी बिलो द पॉवर्टी लाइन. लोग कहने लगते हैं सूरजमल मटर्स टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, सूरजमल जो है अपने साथ बैठे हुए एक आदमी से कहता है कि नटवर जो है उसने अभी अभी कलर टीवी खरीदा है और उसके बेटे ने उसको मोटरसाइकिल भी भेजी है, तो वो कैसे बिलो पॉवर्टी लाइन हो सकता है, उसका नाम इस लिस्ट में कैसे है. सूरज सरोज सेज टू सुखी बाई, हाउ डिड बिरजूज नेम गेट ऑन द लिस्ट, ही हैज सो मच लैंड. तभी जो सरोज है वो सुखी बाई से कहती है कि बिरजू का नाम इस लिस्ट में कैसे है, उसके पास तो बहुत सारी जमीन है. दिस लिस्ट शुड हैव ओनली पुअर पीपल, और वो कहती है सरोज जो है वो कहता है कि इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम होने चाहिए जो कि बहुत गरीब है. एंड ओम प्रकाश इज द लैंडलेस लेबरर हु कैन बेरली मेक एंड्स मीट येट हिज नेम इज नॉट ऑन द लिस्ट. तो वो कहता है कि जबकि ओम प्रकाश जो है वो लैंडलेस लेबरर है, मतलब उसके पास कोई जमीन नहीं है, वो मजदूरी का काम करता है, बहुत मुश्किल से उसके एंड्स मीट होते हैं. एंड्स मीट का मतलब होता है गुजारा करना, उसका गुजारा बहुत मुश्किल से होता है. येट हिज नेम इज नॉट ऑन द लिस्ट, और तब भी उसका नाम इस लिस्ट में नहीं है. यू नो दैट बोथ नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड्स ऑफ अमीर चंद, Who can counter Amir Chand's power?
तो कोई कहता है, सुखी बाई कहती है, सुखी बाई सेज, सुखी बाई कहती है कि तुम्हें पता है ना, नटवर और बिरजू जो हैं वो अमीर चंद के दोस्त हैं, और अमीर चंद की पावर, उसकी ताकत से कौन लड़ सकता है। अमीर चंद वॉज द अर्लियर जमींदार, लैंड ओनर ऑफ द विलेज एंड स्टिल हैज कंट्रोल ओवर अ लॉट ऑफ लैंड, बट वी शुड गेट ओम प्रकाश's नेम पुट इन। तो सुखी बाई कहती है, अमीर चंद जो था वो पहले जमींदार हुआ करता था। जमींदार कौन होते थे? वो लोग होते थे जो गांव में सबसे ज्यादा, जिनके पास जमीन होती थी, और वो लोगों को अपने पास काम पे रखते थे। उनके पास सबसे ज्यादा जमीन होती थी, वो लोगों को अपने पास काम पे रखते थे, उनको एक्सप्लॉइट करते थे, उनको बहुत ज्यादा काम करवा के बहुत कम पैसे देते थे। तो वही कहती है कि अमीर चंद जो था वो पहले जमींदार था इस गांव में, अभी भी उसके पास बहुत सारी जमीन है, लेकिन बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इन, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम जो है वो इस लिस्ट में जो है शामिल करवाना चाहिए। द सरपंच, पंचायत प्रेसिडेंट, नोटिसेस पीपल विस्परिंग एंड आस्क्स इफ एनीवन हैज एनीथिंग टू से। सरपंच जो है, जो पंचायत के प्रेसिडेंट होते हैं, जो मैंने आपको कल भी बताया था, तो वो देखता है कि लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तो वो कहता है कि इफ एनीवन हैज एनीथिंग टू से, क्या किसी के पास कुछ कहने के लिए है। सरोज ट्राइज टू प्रोवोक सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू, बट ही कीप्स क्वाइट। सरोज जो है वो सूरजमल को काफी प्रोवोक करता है, बोलता है कि वो नटवर और बिरजू के बारे में बताए, लेकिन सूरजमल जो है वो चुप रहता है। अमीर चंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन, जबकि अमीर चंद जो है, जो वहां का लैंड ओनर था, वो जो है वो सब पे नजर रखे हुए वहां पे बैठा हुआ होता है। देन सरोज गेट्स अप एंड सेज दैट ओम प्रकाश's नेम शुड बी इन द बीपीएल लिस्ट। तभी सरोज जो है वो कहता है कि ओम प्रकाश का नाम जो है वो बीपीएल के लिस्ट में होना चाहिए। Others agree that he and his family are very poor. अब सब जो लोग हैं वो मानते हैं कि हाँ वो बहुत गरीब है। The sarpanch asks how his name had been missed out. The teacher who did the survey of BPL family says Om Prakash's house was locked when I went there. He may have gone somewhere to look for work. तभी सरपंच कहते हैं कि ओम प्रकाश का नाम कैसे उसमें से छूट गया है। तो जो टीचर होता है, गांव का एक टीचर है जिसको ये काम दिया गया होता है कि वो सर्वे करके आए कि उनके गांव में कौन कौन जो है बिलो पावर्टी लाइन है, तो वो कहता है ओम प्रकाश का घर जो था वो बंद था, ताला लगा हुआ था जब मैं वहां गया था, वो शायद किसी काम के लिए, किसी काम के सिलसिले में कहीं गया हुआ था। द सरपंच गिव्स इंस्ट्रक्शंस दैट ओम प्रकाश's फैमिली इनकम बी लुक्ड एट एंड इफ इट इज लेस देन व्हाट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट हिज नेम should be included in the list. तो क्या कहता है? कहता है कि जो सरपंच है वो कहता है कि ओम प्रकाश की जो फैमिली इनकम है, उनके घरेलू जितनी भी उनकी इनकम है, जितनी उनकी आमदनी है, उसके बारे में पता किया जाए, और अगर वो गवर्नमेंट की डिसाइड की हुई जो आमदनी है उससे कम है तो उसका नाम जो है वो इस लिस्ट में जरूर होना चाहिए। ओके, सो ग्राम सभा का असली काम क्या होता है? ग्राम सभा इज अ की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल। ग्राम सभा अब क्या करती है? ग्राम सभा का ज्यादा काम ये है कि वो पंचायत के लोग जो हैं उनको रिस्पॉन्सिबल बनाए, ठीक है, उनको बोले कि उनको अपना काम सही तरीके से करना है और रिस्पॉन्सिबली करना है, मतलब जिम्मेदारी के साथ करना है। इट इज द प्लेस वेयर ऑल प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल। ग्राम सभा जो होती है ये वही जगह होती है जहां पर गांव के जितनी भी डेवलपमेंट थिंग्स हैं उनके बारे में सारा जो है लेखा जोखा रखा जाता है कि क्या प्रॉब्लम्स है, उनका क्या सोल्यूशंस है। The Gram Sabha prevents the panchayat from doing wrong things like misusing money or favoring certain people. अब Gram Sabha ये भी देखती है कि पंचायत के लोग जो हैं वो कहीं उन government के दिए गए पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल तो नहीं कर रही है, क्या वो किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा तो नहीं कर रहे। जैसे अभी हमने इस स्टोरी में देखा कि वो लोग नटवर और बिरजू के लिए कितना फेवर कर रहे थे, उनका नाम बीपीएल की लिस्ट में डाला था लेकिन ओम प्रकाश का नाम नहीं डाला था, लेकिन जब ग्राम सभा में लोगों को पता चला तो उन्होंने इस चीज का विरोध किया और बोला कि ओम प्रकाश का नाम जो है वो लिस्ट में होना चाहिए।
It plays an important role in keeping an eye on the elected representatives and in making them responsible to the persons who elected them. Gram Sabha ये भी देखती है कि पंचायत के लोग जो हैं, पंच जो हैं, सरपंच जो हैं, वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और वो उनको जवाबदेही देनी पड़ती है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने उन्हें elect किया होता है, जिन लोगों ने उन्हें चुना होता है अपना representative अपने लिए बोलने के लिए, जिन्होंने उन्हें चुना होता है, जो आम लोग होते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ग्राम सभा क्या होती है, इसका मेन काम क्या होता है, मुद्दा क्या होता है, और वो किस तरीके से काम करती है। यही चीज आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसका मूल मंत्र है वो ये है कि हम किस तरह से गांव के लेवल पे काम करते हैं, और हम जो खुद लोग हैं, जो हम गांव के वासी होते हैं, हम लोग अपने आप के लिए, अपने गांव के लिए किस तरह से डेवलपमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, सो ये जो ग्राम सभा का जो आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अभी भी कोई डिफिकल्टी है, कोई इश्यू है, आपको समझ नहीं आया है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि आपको ये दोबारा से समझ आए। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।